अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि जी विराट कोहली, बाबर आजम की हैंड स्पीड बड़ी अच्छी है, बिल्कुल ऐसी है, कभी उसको नापने का पैमाना नहीं था कि कितनी है हैंड, ये बहुत ही छोटी डिवाइस, बिल्कुल ऐसी है, मैं बल्कि साइज की वजह से मैं हैरान हूँ। ये बैट स्पीड के बारे में किसी भी बैट्समैन की बता देती है, ठीक है, बल्कि ये भी बता देती है कि एक बैट्समैन ने कितना अच्छा ये बॉल खेला है, कितनी अच्छी टाइमिंग थी उसकी इस बॉल पे, कितना अच्छा उसने मिडल किया, आपका इम्पैक्ट टाइमिंग के बैट स्विंग के बाद आपका बॉल जो है बैट के साथ कितनी स्पीड से टकराता है। क्या ये ICC के जो कवानीन है उनके मुताबिक बैट हमारे पास मौजूद है, बैट के ऊपर लगाते हैं? अच्छा नबील भाई, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि ग्रिप हमने जब की है तो ये डिवाइस जो है वो कवर हो गई है, तो क्या कवर होने से कोई इशू तो नहीं होता, मतलब उसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है? इस स्क्रीन के ऊपर लाइव डाटा जो है वो शो होगा, हर शॉट का डाटा जैसे जैसे वो खेलते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी बैट टाइमिंग जो थी शॉट के ऊपर 48% थी, 170 डिग्री इनका हाई बैक लिफ्ट था, 214 की शॉट पावर थी, और ये पिछली शॉट बहुत अच्छा टाइम किया है, इनकी टाइमिंग 60 और 535 शॉट पावर बढ़ गई है। जब वो शॉट्स खेल रहे थे आप मुझे कह रहे थे कि ये सारी शॉट्स जो हैं वो ग्राउंड के बाहर हैं, और बकायदा यहाँ पर मेंशन है कि ये आप देख सकते हैं कि सारी शॉट्स जो हैं वो वाकई ग्राउंड के बाहर थी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, कितनी अच्छा 100 में से कितने परसेंट वो बॉल्स को मेडल कर रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि ये अराउंड 60 के करीब हों। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BL स्पोर्ट्स और मैं हूं फैजान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद किसी भी बल्लेबाज की परफॉर्मेंस को जांचने का जो तरीका है वो बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बल्लेबाज की परफॉर्मेंस तो पहले भी देखी जाती थी और कोचेज़ जो हैं वो उनको ट्रेन करते थे, तो अब आज की इस वीडियो में क्या ऐसी खास बात है? तो आज की इस वीडियो में जो खास बात है वो है ये वाली टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से अब सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही टेक्निकल तरीके से जो हैं वो चेक होंगी। नबील भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस सारी चीज़ को बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह। तो नबील भाई, ओवर टू यू, क्या चीज़ है ये और किस तरह से अब आसान कर दिया आपने बल्लेबाज की परफॉर्मेंस को बेहतर करना? जी, बैटिंग में अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि जी विराट कोहली, बाबर आजम की हैंड स्पीड बड़ी अच्छी है, बिल्कुल ऐसी है, हर कोई बात करता है, कमेंट्री में भी बात करते हैं, लेकिन कभी उसको नापने का पैमाना नहीं था कि कितनी है हैंड या इस तरह की बैट स्पीड कितनी है। तो इस किस्म की कैलकुलेशंस के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी हमें उसका हल निकालती है, ना सिर्फ ये बैट स्पीड के बारे में किसी भी बैट्समैन को बता देती है, ठीक है, बल्कि ये भी बता देती है कि एक बैट्समैन ने कितना अच्छा ये बॉल खेला है, कितनी अच्छी टाइमिंग थी उसकी इस बॉल पे, कितना अच्छा उसने मिडल किया है। फिर इसके अलावा अक्सर बैटिंग कोचेज जो है ना वो बैट्समैन की स्ट्रेंथ दरियाफ्त करते हैं वैगन व्हील देख के बैट्समैन का, जिसमें पता लगता है उसने ग्राउंड में किस तरफ स्कोर शॉट्स खेले हैं, तो ये डिवाइस के अंदर वो चीज़ भी शामिल है, यानी कि एक बैट्समैन की स्ट्रेंथ का पता लगेगा कि वो किस एरिया में ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और किस एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, बैट स्पीड, बैट लिफ्ट एंगल, आपका इम्पैक्ट टाइमिंग के बैट स्विंग के बाद आपका बॉल जो है बैट के साथ कितनी स्पीड से टकराता है, कितने कम वक्त में आप बॉल को खेल पाते हैं। नबील भाई, ये आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं लेकिन ये देखने में तो बड़ी छोटी सी लग रही है चीज़, तो क्या ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये उस तरह से एक्सप्लेन कर पाएगी? जी हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी है, आप अगर इसके साइज़ को देखेंगे आप और हैरान होंगे कि ये बहुत ही छोटी डिवाइस, बिल्कुल ऐसी है, मैं बल्कि साइज़ की वजह से मैं हैरान हूँ कि ये इतनी सी डिवाइस है और आपने तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बता दी हैं कि ये सारी चीज़ें कवर करेगी, तो ये कर लेती है? जी हाँ, ये इस डिवाइस के साथ साथ आपको एक मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत होती है, एंड्रॉयड या आईफोन, और ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसकी जो आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, ठीक है, और अपने मोबाइल के ऊपर आप तमाम डाटा जो है ना वो स्टोर करती है, ये डिवाइस ट्रांसफ़र कर देती है इसके, और एक बहुत ज़बरदस्त सी रिपोर्ट हमें मिलती है। ये एक उसका माउंट है जो बैट के ऊपर लगता है, हैंडल के ऊपर, ठीक है, और कुछ इस तरह से लगता है कि बैट्समैन के वेट का बैट के वेट पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होता। अक्सर लोग टेपिंग भी करते हैं बैट के हैंडल के टॉप के ऊपर ताकि बैलेंस को कायम किया जा सके, तो ये एक बैलेंस भी प्रोवाइड करके देता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। और क्या ये ICC के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक है? देखिए, अगर आप देखें तो इसके बॉक्स के ऊपर भी ICC रिकमेंडेशन की एक लोगो लगा हुआ है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय ICC। ICC ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जैसे T10 हुआ उसके अंदर भी इसको अप्लाई किया, ड्यूरिंग द मैचेस प्लेयर्स ने लगा के खेली, क्यों ना इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया जाए। नबील भाई, तो बैट हमारे पास मौजूद है, बैट के ऊपर लगाते हैं
और इसको आपको लगाते हुए भी लाइव दिखाते हैं कि ये किस तरह से यूज़ किस तरह से की जाती है, और फिर बाद में एक बैट्समैन के साथ हम इसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे लाइव, ताकि आपको ये भी दिखाया जा सके कि क्या नबील भाई ने जो बातें हमें बताई हैं उसमें हकीकत कितनी है। तो नबील भाई इसको आप करें माउंट करें ताकि हम देख सकें कि ये लगाया कैसे किस तरह जाता है। कि बहुत आसानी से ये माउंट जो है बिल्कुल एक बैट की ग्रिप की तरह अटैच हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर डिवाइस लगी और एक की है जिसके जरिए इसको लॉक कर दिया जाता है। अच्छा नबील भाई, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि ग्रिप हमने जब की है तो ये डिवाइस जो है वो कवर हो गई है, तो क्या कवर होने से कोई इशू तो नहीं होता, मतलब उसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हों, चाहे इसको ऊपर कर लें चाहे इसको फोल्ड करके आप साइड पे कर लें, कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट कंफर्टेबिलिटी ऑफ द बैट्समैन कि वो जिस तरह से इसको सूट मतलब वो जिस तरह ईजी है। तो मेरी हमारा जो बैट है वो अब तैयार हो चुका है, तो हम एक बैट्समैन को बुलाएंगे ताकि इसका जो लाइव एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको करके दिखाएं। लेसन भट्टी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, PSL की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके साथ हमें खास शॉट्स पे काम कर रहे हैं और वो शॉट्स जो हैं वो ये खेलेंगे और हम उसका डाटा इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये पहले से कितना इंप्रूव कर चुके हैं। जैसे ही एसएन भट्टी साहब शॉट खेलेंगे तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर लाइव डाटा जो है वो शो होगा। हर शॉट का डाटा जैसे जैसे वो खेलते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी बैट्स टाइमिंग जो थी शॉट के ऊपर 48% थी, 170 डिग्री इनका हाई बैक लिफ्ट था, 214 की शॉट पावर थी, और ये पिछली शॉट बहुत अच्छा टाइम किया है, इनकी टाइमिंग 60 और 535 शॉट पावर बढ़ गई है। अच्छा नबील भाई, बड़ी हैरानी की बात है कि ये बकायदा स्पीड, पावर, एंगल और बैट लिफ्ट हर चीज़ जो उनसी है वो बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर उसी टाइम पे बताता है जैसे ही शॉट खेली जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ये अटैच्ड है ब्लूटूथ के साथ आपके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, तो सारा डाटा आपको रन टाइम पे उसी टाइम कैलकुलेट करके ये हमें बताता है। अच्छा नबील भाई, ये तो हो गया लाइव डाटा, क्या इसके बाद भी कोई रिपोर्ट जो उनसी है वो स्क्रीन पे आती है, जिसके बाद वो प्रॉपर जो आप बता रहे थे कि एंगल भी देखे जाते हैं, हर चीज़ देखी जाती है, वो भी नज़र आता है? जी हाँ बिल्कुल, एक प्रॉपर कंप्लीट रिपोर्ट इसके अंदर हमें मिलती है, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। चलिए जी, अब हम ग्राउंड से उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर जो है एनालिसिस दिखाया जाएगा उस परफॉर्मेंस का जो कि अभी हमने लाइव देखी थी। तो नबील भाई मुझे ये बताएं कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो उनसी हैं वो बता रहा है कि एसएन जो है वो कहां पर वीक है और कहां स्ट्रॉन्ग है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है हमारे, मेंशन है। ओके, टोटल 27 शॉट्स हमने उनको दिए हैं, 4 मिनट उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है, और उसके बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा सेशन जो कि फ्रंट फुट शॉट्स के ऊपर था, तो हमने कोशिश की कि बैट्समैन के फ्रंट फुट शॉट्स वीक के अंदर वो खेले, ताकि आज उनकी प्रैक्टिस टेक्निकली हम इस तरह से लेके चल रहे थे। कुछ उनने उनको पावर हिटिंग के लिए कुछ शॉट्स दी, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी अच्छी लॉफ्टेड शॉट्स हुई, रेड कलर में हमें नज़र आ रही हैं, और उनका स्ट्रेट एरिया वाज एक्सीलेंटली उन्होंने डिलीवर किया आज के सेशन के अंदर। अच्छा मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जब वो शॉट्स खेल रहे थे आप मुझे कह रहे थे कि ये सारी शॉट्स जो हैं वो ग्राउंड के बाहर हैं, और बाकायदा यहाँ पर मैंशन है कि ये आप देख सकते हैं कि सारी शॉट्स जो हैं वो वाकई ग्राउंड के बाहर थी। एग्जैक्टली, और इसके हमें एक और भी चीज़ हमें नज़र आती है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ और जाएंगे, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये शॉट एफिशिएंसी 48% रही इस सेशन की। ओके, 48% का मतलब ये है कि ओवरऑल हो सकता है कुछ शॉट्स उसने जैसे हमने देखा ड्यूरिंग द लाइव परफॉर्मेंस कुछ 70 पे जा रही है, 60 पे, और जो मिस टाइम हो रही हैं उनको एवरेज के तौर पर ये 48%, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला तो कितनी अच्छा 100 में से कितने परसेंट वो बॉल्स को मेडल कर रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि ये अराउंड 60 के करीब हों, ठीक है, ताकि एट एन एवरेज 60 पे होंगे तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम बॉल्स जो है ना इन्होंने 70 और किसी भी बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर 60 शो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मिनिमम। और उसके बाद हमारी बैट स्पीड है, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी बैट स्पीड थोड़ी कम होती है, जिसमें रन स्पिनर्स की टाइमिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो बैट स्पीड इनकी नज़र आई है। जो इनकी पिछला सेशन था वो भी अगर हम देखें तो उसमें इनकी शॉट पावर यहाँ पर 411 नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि पहली सेशन से बहुत बेहतर है, ठीक है, और बैक लिफ्ट एंगल इनका हाई बैक लिफ्ट है 172 डिग्री, हमें अच्छा लगा इसका परफॉर्मेंस अच्छी रही। ओके, और इम्पैक्ट टाइम वो शो करता है कि आपकी बैट स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इम्पैक्ट टाइम जो है आपका कम होता जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर एक टेंडेंसी लिखती है कि 50% लॉफ्टेड शॉट्स हैं, जो कि हमने एक सेशन ही उनको एंड पे दिया था, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी प्लेयर का
कि वो किस कदर लॉफ्टेड शॉट्स खेलता है, कितनी ही वो ग्राउंडेड शॉट्स खेलता है। अच्छा नवील भाई, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी कोई प्लेयर है जिसने ये डिवाइस यूज़ करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया हो? या हमारी एकेडमी में कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बहुत से फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, वो भी डिवाइस को यूज़ करते हैं, लोकल प्लेयर भी यूज़ कर रहे हैं। इवन एसएन भट्टी ने अपनी शॉर्ट पावर और अपने कुछ एरियाज़ को यूज़ किया। लेकिन एक खास मिसाल देना चाहूँगा, नमीबिया क्रिकेट बोर्ड ने हमारे यहाँ में कुछ प्लेयर्स भेज देते हैं, उनमें एक प्लेयर था शॉन फुशे। ओके, शॉन फुशे काफ़ी अर्सा उसने कोशिश की कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर जब उसने सेशन हमारे साथ इस बैट सेंस डिवाइस का किया तो कुछ शॉट्स जो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से खेल पा रहा था, जिसमें उसकी टाइमिंग अबव 80-70 थी, उन शॉट्स में उसकी बैट स्पीड जो थी वो बहुत फास्ट थी। ठीक है, और ऐसे शॉट्स जो कि उसने कम टाइमिंग से खेले थे, मिडल नहीं हुए थे, उसने जब देखा वहाँ पर उसकी बैट स्पीड जो थी बड़ी कैजुअल और बहुत कम नंबर हमें शो नज़र आ रहे थे, तो उसने खुद ही फिगर आउट किया इस चीज़ को कि अगर मैं अपनी बैट स्पीड बढ़ाऊँ तो शायद मेरी वो शॉट्स भी बेहतर हो जाए। अगले ही सेशन में उसने उस पर वर्कआउट किया और फिर नेक्स्ट डे जब वो मैच पे गया तो ही वाज मैन ऑफ द मैच, और दैट मैच ही स्कोर 60 ऑड रन्स, 50 उसने अपनी पहली वहाँ पर कंप्लीट की, और वहाँ से वो डिफरेंट बैट्समैन के तौर पर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस हमें हरा हुआ मैच जिता सकती है। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा और इसकी आगे फर्दर इसकी कोई क्वालिटीज़ जो हैं वो आप बताना चाहते हो? देखें, एज ए मैनेजमेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं कि एक बैट्समैन जब प्रैक्टिसेस करता है तो कोच मॉनिटर कर लेता है कि उसने कितने बॉल्स खेले, जैसे ये तमाम नंबर्स बताती है और हमें टोटल बताती है कि टोटल 18 और 8, 26 बॉल इसने खेले हैं इस सेशन के दौरान। तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से में प्लेयर इससे बैटिंग करेगा तो कोच के पास उसका डाटा उसके एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए वो मसूल कर लेगा और वो चेक कर सकता है कि उसका प्लेयर जो है वो सही डेली प्रैक्टिस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो और अगर कोई वैसे मतलब एक तो होता है ना कि आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शौक़ के लिए खेलते हैं, तो क्या वो भी ये डिवाइस ले सकते हैं? जी हाँ, शौक़ में इंसान बहुत चीज़ें सीख जाता है, ऐसी है। तो सबसे पहले गेम के लिए शौक़ होना चाहिए। अब जब हम शौक़ के तौर पर इसको लेते हैं तो जैसे अभी हम आपने देखा लाइव सेशन के दौरान लाइव शॉट पावर्स, बैट स्पीड और एफिशिएंसी आ रही थी, तो एज ए फन आप इसको लेके बहुत सारी गेम्स कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं जिसमें बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो कि किसकी शॉट पावर ज़्यादा है, किसकी बैट स्पीड ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल्सो एक फ़न होता है जो हम अक्सर यहाँ पर करते हैं प्लेयरों के साथ। सही है। एक के आज हमारा चैलेंज है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शॉट किसने मारी। अच्छा नवील भाई, जैसे आपने बताया कि अगर कोई अपना शौक पूरा करना चाहता है तो वो भी इस डिवाइस को यूज़ कर सकता है, ले सकता है, लेकिन इसको लेने का तरीकेकार क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ कलंदर से ही मिलेगी या ये बाहर से भी कहीं से ली जा सकती है? प्रोसीजर क्या है, मतलब अगर कोई लेना चाहता हो इंडिविजुअल घर बैठा हुआ तो वो कैसे ले सकता है इसको? इसको लेने का तरीका ये है कि हमारे लाहौर कलंदर की वेबसाइट पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्पैच हो जाएगी। इसका ये है कि इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। जब भी आप इसको लेते हैं तो लाहौर कलंदर ना सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट सेल करता है बल्कि साथ साथ ट्रेनिंग भी फ्री जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप इसका यूज़ जो है ना वो सही तरीके से कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवील भाई आपके वक्त का। तो नवील भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें हर वो चीज़ बताई है जिसकी मदद से हम एक बल्लेबाज की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छा बैट्समैन बनना तो मेरा ख्याल है ये डिवाइस जो है वो आपकी ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।